आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही मजेदार बने। नमस्ते दोस्तों, कुक विद श्रुतिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना रिंग्स, है ना कुछ नया। ऐसे ही नए नए रेसिपीज जानने के लिए कुक विद श्रुतिका को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक कप साबूदाना लेंगे। ये साबूदाना को हमें मिक्सर में एकदम अच्छे से पाउडर कर लेना है, तो हम इसका पाउडर बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने साबूदाना एकदम अच्छे से पीस लिया है, एकदम पाउडर की तरह। थोड़े से इसमें कण रह जाएंगे, उतना हमें चल जाएगा। तो अभी हमने ये एक कटोरी बॉईल किया हुआ आलू लिया है, इसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। और इसमें डालेंगे हम ये एक कटोरी पीसा हुआ साबूदाना, 1/4 कटोरी चावल का आटा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर, और स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे। ये हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका अच्छे से एक सख्त आटा गूंद लेंगे। ज्यादा पतला आटा नहीं गूंदना है हमें, सख्त आटा ही गूंदना है। आप चावल के आटे के बदले कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो ये हमने अच्छे से देखिए इसका आटा गूंद लिया है। अभी हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसको और थोड़ा सा मसल देंगे। ये देखिए सख्त आटा ही रखा है हमने, देखिए ज्यादा पतला नहीं करना है वरना इसके हम रिंग्स नहीं बना पाएंगे। तो तेल लगा के हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसका आटा तैयार हो चुका है। अभी हम इसके रिंग्स बनाएंगे और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। अभी हम इसके रिंग बना लेते हैं। ये देखिए इतना हम गोला बना लेंगे, इसको अच्छे से हमें ऐसे थोड़ा सा गोल कर लेना है दबा दबा के, ताकि इसमें क्रैक ना आए, देखिए ऐसा। और फिर इसकी ऐसे हम लंबी इसको लंबा ऐसे हाथ से बना लेंगे, ये देखिए इस तरह। बहुत ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है। ये देखिए इतना ही हम इसका थिकनेस रखने वाले हैं और इसको हम ऐसे गोल करके इसकी ऐसी रिंग बना लेंगे। बहुत मोटा रखेंगे तो वो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा, तो मीडियम हमने इतना रखा है इसका थिकनेस। ऐसे हम सारे रिंग्स बना लेंगे। अगर कहीं पे ऐसे क्रैक है तो हम इसको दबाकर ऐसे अच्छे से प्लेन कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा, तो ऐसे हम सारे रिंग्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए रिंग्स सारे बना लिए हैं और मैंने पैन में तेल भी गरम करने रखा है। अभी हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। हमने फ्लेम मीडियम रखी है, लो फ्लेम ज्यादा नहीं रखनी और ज्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी है हमें। तो इसमें हम ये रिंग्स ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे। डालने के बाद हमें तुरंत इसको हाथ नहीं लगाना है, थोड़े देर के लिए हम इसको ऐसे ही फ्राई होने देंगे और फिर इसको हम उल्टा करेंगे। ये देखिए इसके बबल्स थोड़े से कम होने आए हैं, अभी हम इसको उल्टा कर देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हो ऊपर ऐसे फ्लोट हो रहे हैं तेल के अंदर, तो तभी समझ लेना है हम इसको ऐसे उल्टा कर सकते हैं। तो ये बबल्स इसके पूरे कम होने तक या फिर जब तक ये ब्राउनिश नहीं हो जाते तब तक हमें इसको डीप फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये ब्राउन हो गया है, तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए क्या मस्त लग रहा है, वाह।
एकदम बढ़िया बने हैं ये हमारे साबूदाना रिंग्स। आप आवाज सुन सकते हो, देखिए अभी ये बाकी के रिंग्स भी हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए गर्मा गर्म हमारे साबूदाना रिंग्स तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही मजेदार बने हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही मस्त लग रहा है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये अनोखी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने कुक विद श्रुतिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुक विद श्रुतिका को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।